वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूं, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2x² - 1/2x = 0। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 है 2x² - 1/2x = 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4x² एंड देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट मीन्स x = 0। फिर उसके बाद इफ यू सॉल्व दिस फर्दर तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 0 = 0। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा गलती क्या होती, यहाँ पे गलती होती है कि ज़्यादातर लोग इसको 2 और 2 और 4 ये दोनों काट देते हैं, तो 2 1 2 2 2 4 ये काट देते हैं तो हो जाता है x² 2x² - x, वो कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा ये 2 है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4x² - x = 0। तो इसका ट्रिक ये है, आपको इस फॉर्मेट में लाना है, ये दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे तो बहुत इजी है, इसके बाद आप इसमें x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4x, x यहाँ पे चला गया तो -1 = 0 और बस यहाँ पे आप 0 प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x = 0 हो गया और ये दूसरा हो जाएगा 4x - 1 = 0, दैट मीन्स 4x = 1 और ये हो जाएगा x = 1/4। therefore value of x will be either 0 or 1/4 और ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाता है। तो और इसमें ट्रिक यही थी कि आपको इसको एलसीएम लेके कन्वर्ट करना इन सच ए वे कि आप इसको सॉल्व कर पाइए। और ये जो मैंने बताया कि 2 1 2 एंड 2 2 4 और 2x² ये गलती मत करिएगा, ठीक है।